ये है हमारे नंदी, दिस इज नंदी फॉर पूजा। श्रृंगी कहते हैं इसको, श्रृंगी 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 वाले नंदी। अब इसका कमाल देखना, नंदी के मुंह से जल अर्पित कीजिए। तुमने नहीं कहा था कि इस बार हम लोग छिपकली की बात कर रहे हैं, अगली बार हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, कॉकरोच की बात कर रहे हैं। तुम्हें पता है जब तुमने ये बोला उसके दूसरे दिन इतना बड़ा कॉकरोच आया। क्या बोल रही है? जब भी कोई फोन खराब होता है तो पहले उसकी साउंड जाती है और फिर वो खराब होता है। तो मुझे याद है एक बार नीरज कभी सर की क्लास चल रही थी और उन्होंने कहा कि जब भी तुमको ऐसा लग रहा हो कि मतलब टू बी, मतलब एक्टिंग है टू बी इन द मोमेंट, उस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में रह के जब तुम वो चीज़ें सुनते हो, डायलॉग सुनते हो और रिएक्ट कर रहे हो और एक्ट कर रहे हो, तो सबसे पहली जो चीज़ अगर तुम रियली फील कर रहे हो, रियल में तुमको अफेक्ट होता है जो बोला गया या जो सिचुएशन है, सबसे पहली चीज जो इफेक्ट होती है वो है वॉइस। पहले सबसे पहले साउंड और वॉइस इफेक्ट होती है किसी भी बॉडी में, मतलब जनरली ह्यूमन टेंडेंसी के पहले वॉइस, जैसे हमको कुछ भी फील होता है, जैसे अभी भी अभी मेरी वॉइस डिफरेंट होगी, हर सिचुएशन में वॉइस डिफरेंट होती है। तो कोई कोई जो ऊपर ऊपर से एक्टिंग करते हैं उनकी वॉइस हमेशा फेक रहती है, वो ऊपर से अलग से एटीट्यूड लगा के फेक नॉइज बनाते हैं। तो मुझे लगा कि यार इंजीनियर ने जो इंजीनियरिंग की है, ये मोबाइल और ये सब बनाया जो उन्होंने, जो ये जो क्या बोलते हैं इसे गैजेट्स बनाया है, उसमें भी तो, उस गैजेट में भी तो पहले साउंड इफेक्ट हुई। जब जब मतलब जब मोबाइल को भी अंदर कुछ गड़बड़ हुई तो सबसे पहले इफेक्ट साउंड के ही हुए। हाँ मेरा भी ऐसे होता है एक्चुअली, साउंड ही खराब होती है। हाँ जैसे आप कभी कोई गैजेट ओपन करो या कुछ भी करो ना, तो मदरबोर्ड ओपन करो इसका, लैपटॉप का या कंप्यूटर का, तो ऐसे नहीं लगता कि एक पूरी सिटी बनी हुई है, कोई कुछ कान है, कुछ मुंह है, कुछ कान है, अंदर का एक बॉडी बनी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो ऐसे ही बनाए होंगे इंजीनियर्स ने ना, साइंटिस्ट इंजीनियर्स ने वो सोच सोच के कि ये इसका मुंह है, ये इसका दिमाग है, कैसे नेचर से या किसी से ही लेके इफेक्ट होते ही वो भी बना रहे हैं एक्चुअली। हाँ हाँ पर मुझे एक्टिंग का क्वेश्चन आया, क्या वो कह रहे थे ऐसे वॉइस होती है लेकिन तुम लोग तो डबिंग करते हो तो उसमें तो चेंज कर सकते हैं। ओ भाई डबिंग में तो फुल करना पड़ता है ना एक्टिंग। हाँ पूरी कर, हाँ तो मतलब मैं कह रही हूँ जब इंसान एक्टिंग कर रहा है। नहीं देख फर्स्ट ऑफ ऑल डबिंग इज, अभी तो डबिंग बहुत कम हो गई, डबिंग पहले ज्यादा होती थी इंडिया में, बाहर तो होती ही नहीं है अब, बाहर तो इट इज सिंग साउंड, मतलब उसी वक्त जो रिकॉर्ड हुआ वो, और यहाँ पे भी अब 70% 50-60% हो चुका है, मतलब जो दोनों डिफिकल्ट है क्योंकि सिंग साउंड में आपको उसी वक्त इमोशन करने हैं प्ले, आपके पास वो नहीं है कि मैं डबिंग में देख लूँगा, क्योंकि लोग डबिंग में ज़्यादा अभी यहाँ पे कम फोर्स लगा के कर देते हैं और डबिंग पे ज़्यादा ही फोर्स लगाते हैं। कभी कभी ऐसा होता भी है कि यार ये बॉडी तो इसकी नॉर्मल है, ये इतनी ज़्यादा अच्छे जोर से क्यों
आ रहा है, हाँ तो क्योंकि वो वो अच्छा भी डबिंग नहीं करता किया। है, मुझे तो लगता था डबिंग बहुत डिफिकल्ट है, मतलब डिफिकल्ट बाद है, में बहुत वापस डिफिकल्ट है, रिपीट कैसे कर दो। नहीं डिफिकल्ट है बिकॉज मैंने अगर सिंक साउंड में कुछ किया है उसको क्रिएट करना, रिक्रिएट करना भी डिफिकल्ट वही है। तो बोल रही हूँ, ठीक दोनों अपने अपने उसके वो हैं, क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट लेवल दोनों के अलग अलग है, सबका अपना। है सिंग साउंड बेटर साउंड कर रहा है वो, लेकिन ऐसा होगा कि अगर आपके बॉडी में मशीन्स लगी है तो इमोट नहीं हो पाता हाँ इंसान वो कर नहीं देख, पाता। ये ना बहुत डे वाइज है पता है, मतलब एक दिन कभी एक दिन करो और आप सही हो इमोशन में, आपका सब आपको सही मिल रहा है वहाँ से, एक्टर से भी ज़्यादा टेंशन नहीं है सेट पे भी, और सब कुछ प्रॉपर है, सब कुछ इज़ वर्किंग फॉर यू, तो उस दिन सिंग साउंड अच्छा। लेकिन समटाइम्स द थिंग्स आर नॉट वर्किंग यू, वो इमोशन कितना, क्योंकि फाइनली तो एक्टर जब काम कर रहा है वो अपने इमोशन से कर, हर दिन तो नहीं हो सकता ना सेम इमोशन, तो एट दैट टाइम इसलिए कभी कभी मोस्टली ऐसा भी करते हैं लोग आजकल कि 60% सिंग साउंड है, 40% डब है, कभी डबिंग बाद में कर ली, इस लाइन की डब रह गई, कुछ सुनाई नहीं दिया या ऐसा कुछ है तो उस लाइन की डब कर दी, कुछ सीन्स की डबिंग कर दी। मेरे को तो लगता है ऐसे दोनों कॉम्बिनेशन में वर्क करना चाहिए, उससे क्या बेस्ट प्रोडक्ट बाहर करेक्ट, आएगा। बेस्ट तो होगा कि सिंक कितना है प्रॉपर, कि मतलब हर सीन हिट हुआ है, एक एक डायलॉग प्रॉपर क्रिस्प सुनाई दिए है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर तो डब है। वो तो रीटेक में नहीं पता चलता कि अभी ये सिंक साउंड ठीक नहीं, मतलब ये साउंड ठीक पता नहीं आ रही तो चलेगा रीटेक ही ना, कर लो। तू नहीं समझ रही है, रीटेक कम ये मतलब नहीं है कि नेक्स्ट टेक अच्छा ही होगा, क्या पता तुमने अच्छा कर दिया पर को एक्टर ने नहीं किया, हाँ या वो भी फिर होता तुमने है, अच्छा कर दिया फोकस बोले फोकस नहीं हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि रीटेक करने के बाद अच्छा ही होने वाला है। हाँ इतना बड़ा आया और अब कल भी आया, कल भी मारा मैंने एक, वो उड़ने वाला होता है जो, अरे नहीं यार, अरे हाँ, और पता है छिपकली मैंने बोली थी बड़ी होती रही है, अब वो छोटी होती जा रही है, इतनी छोटी थी दो, छोटी कैसे हो रही होगी वो? अरे अरे मतलब बच्चे बड़ी हैं वाली, उसके, मैं कह रही हूँ पूरी फैमिली बना दिया उन लोगों ने। हाँ तुम नहीं आए अब तक, सोच उनकी फैमिली बढ़ रही है, वो हम पे कभी भी अटैक कर सकते हैं, और हमारा मेन डिफेंडर ही है हमारे पावर। पास, और मैं पापा मम्मी को बोल रही हूँ तो मम्मी पापा मेरे पास हंस रहे हैं, पापा मेरे पास हंस रहे बोल रहे, अरे तो छोटी सी तो है वो क्या करेगी, तो अच्छी होती है वो, दूसरे को खा लेती है तो हमारा घर साफ रहता है। पापा को मैंने पर बोला वो भी आपका तो होती रूम, है ना। हाँ अच्छा पापा को नहीं उनके रूम में भी थी, बोला इधर भी तो रहती है, उनका रूम बड़ा है ना तो उनके बेड के ऊपर या नीचे कहीं नहीं होती, सामने के उस पर होती है, तो उनको तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। एक दिन मैं वो तुम स्क्रॉल कर रही थी और ऐसे लेटी थी फैन के ऊपर, था अचानक देखी वहां से वो जा रही है, वो मुझे देख रही है, मैं उसको देख रही हूँ, और फिर मैं भी इधर उछली वो भी उधर उछली, उसको भी पता चल गया, पता है मुझे लगता है उसको पता चल गया, और वो दोस्ती करना चाहती है, और पर मैं दोस्ती नहीं करती चिपकली और तो दोस्ती का हाथ बढ़ा ना। मैं नहीं बढ़ा सकती ऐसा बोलो भी मत, बहुत ही मुझे अंदर चिचिचि होता है चिपकली और। अरे दोस्ती से याद आया, कल एक बार देख लिया फिर मैं। मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला था बचपन में मतलब 6th 7th में होंगे हम लोग, और वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होती है ना छिपकलियाँ, हाँ तो मतलब अंदर खून नहीं होता, कोल्ड ब्लडेड होती है, तो मेरा फ्रेंड ओमकार था वो बोलता उसकी क्लास में भी पढ़ा रहे थे, तो उसने बोला ऐसे कैसे, मतलब ये कैसे हो सकता है, उन्हें खून तो निकलेगा ही ना, तो मैंने कहा नहीं 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 और मुझे तो मतलब देखना तो पड़ेगा, मैंने कहा नहीं 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 मुझे तो कुछ नहीं देखना, मैं विश्वास कर रही हूँ इन बुक्स पे और मैम बोल रही है, तो दूसरे दिन आया हंसे हंसते हंसते, तो मैंने बोला क्या हुआ, तो बोलता है एक्चुअली वो मेरा पड़ोसी भी था, मेरे हमारे नेक्स्ट बिल्डिंग में भी रहता था, तो वो और उसकी बहन काफ़ी टाइम पे आते थे हमारे साथ नोट्स लेने, और उसकी बहन भी थी, मेरी भी बहन थी छोटी, तो ऐसे हमारी फ्रेंडशिप भी थी, और उसको कभी भी कोई भी बीमारी होती थी वो बाद में मेरे से नोट्स लेने आता था, तो आया मेरे को बोलता कल मैंने छुपकली को पकड़ा और फिर उसका पोस्टमार्टम किया और मैंने पता लगा लिया वो कोल्ड ब्लडेड ही है, और मेरे उसके बाद से मेरे तो पता नहीं क्या वो बैठ गई मेरी बात मन में कि इसने ऐसा काट किया, दी उसने, उसके बाद से मुझे और इमेजिनेशन में हुआ, हाँ छिपकली। हाँ और पता है हमारे साइंस लैब में थी भी, मतलब वो रखते हैं ना स्पीशीज देखने के लिए, तो उसको सच में उसका अच्छा। विश्वास नहीं हाँ हो, बोलता है अगर इतने सालों से रखा है तो वैसे इसका खून सूख क्यों होगा, कैसे पता चलेगा कि कोल्ड ब्लडेड है, इसके अंदर वार्म ब्लड खून नहीं है, तो मुझे तो पता करना ही पड़ेगा, मैंने कहा तू तो बस महान साइंटिस्ट ही बनने वाला है। कुछ कुछ बच्चे इतने निर्मम होते हैं ना, निर्दयी। अरे उसके अंदर एक शिखर नहीं थी, उसके बाद से आज तक इतने सालों बाद भी मेरे मन में वो बात है, उसको नहीं पता होगी, अभी अभी नेक्स्ट रियूनियन होगा ना स्कूल में, मैं बोलूंगी ओमकार याद है क्या जब हम लोग जब ऐसा क्लास में हुआ था और तूने छिपकली का अपना पोस्टमार्टम किया था और डिसाइड वो किया था कि वो कोल्ड ब्लडेड है कि हॉट ब्लडेड, जैसे कि
होगा यार, क्योंकि जब पकड़ी होगी जिंदा होगी वो, उसने उसको चीर दिया। तू तू और मेरे लिए वो मत करो, ऑलरेडी मेरे अंदर इतने सालों बाद भी वो जिंदा है और मैं तो रोज देखती हूँ उनको। मेरे से ये इमेजिन मैंने भी एक बार बचपन में पकड़ ली, मैं उसको उठाऊं उसको मारूं और उसका मतलब ये क्या है, ये डेडली है यार, मतलब कुछ भी करते हैं यार बच्चे। पर एक्सपेरिमेंट के लिए तो करना ही पड़ता है, क्योंकि मरी हुई मिलती तो भी विश्वास तो होता नहीं कि जम गया खुद अंदर। हां मतलब विश्वास तो होता ही नहीं ना, कुछ भी होता तो। ओ गॉड, मैं बोल रहा हूं मैंने भी बचपन में एक बार पकड़ ली थी, मुझे तो पता भी नहीं था क्या है ये, उस समय की बात है, मतलब तब तक छिपकली वो भी नहीं समझ में आया था, ऐसे पकड़ के ले आया मैं, और अच्छी खासी बड़ी सी थी घर पर, तो दादी थी शायद वहां पे, तो दादी ने बोला नहीं ये काटती है, जहर होता है इसमें फेंको इसको, तो उसके बाद भी मुझे उतना कुछ खास बिलीव नहीं हो गया, अभी तो नहीं काट रही है ये, मैं ऐसे एकदम कैजुअली ले रहा हूँ उसको कि कहाँ काट रही है जहर, चढ़ा ही नहीं मेरे को, मैं तो जिंदा हूँ, तो नहीं बड़ी फेंक उसको। एक्चुअली क्या होता है कि छिपकली के केस में स्पेशली हम अपने फियर्स पास ऑन कर रहे होते हैं जनरेशन दर जनरेशन, जबकि छिपकली वो जो हाउस होल्ड वाली छिपकली है उसमें उतना जहर कुछ होता नहीं है जितना हमें बता दिया। मैं छोटा बच्चा मतलब कितना तीन साल का होगा, मैंने पकड़ी भी थी आराम से कैजुअली, मैं सीढ़ी से उतर रहा था, सीढ़ी के साइड वाली दीवार पे थी, मैंने ऐसे ऐसे दिखी मुझे साइड वाली दीवार पे, मैंने ऐसे पकड़ ली, ऐसे ऐसे पकड़ ली और ले आया, फिर उसके बाद छोड़ दी। पर धीरे धीरे इतनी बार वो चीज मैंने सुन ली ना, जहर होता है जहर होता है जहर होता है, अब उतने कॉन्फिडेंटली मैं नहीं पकड़ सकता उसको सीधे ऐसे करके, अब थोड़ा सा मेरे अंदर भी होता है। बट मेरे हिसाब से तू बेस्ट है, मुझे याद है मैं एक बार याद है तू दिल्ली था और सुरभि और मैं घर पे थे, और तो वो मतलब रात को खिचिप के लगे, तेरी सुबह की फ्लाइट थी आने की, तो 6 बजे रिटर्न होने वाला था कल, और सुरभि और मैं वही बात, तो पूरी एक छिपकली आ गई घर पे, हम पूरी रात जागे थे, इट्स ओके कल तो मनोज जा रहा है, इट्स ओके कल मनोज जा रहा है, हम सोएंगे नहीं, हम बिल्कुल नहीं सोए पूरी रात, क्योंकि हमसे नहीं हुआ, और हम दोनों इतने, और उस वक्त पापा नहीं थे वहाँ पे, मम्मी पापा नहीं थे घर पे, तो और भी अच्छा हुआ, नहीं तो क्या हुआ था ना एक बार क्या हुआ था, बहुत एक तो इसके छिपकली की वजह से इतनी डांट खाई है ना पापा से हम दोनों, एक दिन छिपकली आ गई हम दोनों के रूम में और रात भर हम लोगों ने लाइट ऑन करके सोए, सुबह मम्मी पापा आए, पापा सुबह मेरे को बोलते कल अगर मुझे लाइट ऑन दिखी तुम लोग बाहर बालकनी में सोओगे। हे भगवान, फिर हमको गुस्सा आया कि एक तो यहाँ पे पापा का डर, वो छिपकली का डर, हम बीच में सोएंगे कैसे, और हमने ऐसे प्रे किया कि भगवान प्लीज 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 छिपकली को यहाँ से भगा दो प्लीज, और फिर वो चली गई, क्योंकि वो रुकती तो है नहीं, या फिर वो छुप जाती है, फिर हम सोए, ऐसे डर था हमें, तो हम इस बार जब हुआ ना तो हम सोच रहे थे अच्छा पापा यहाँ पे नहीं है बॉम्बे में, तो अभी पापा नहीं डर सकते, अब हम पूरी रात जाग सकते हैं जब तक वो छिपकली जाएगी नहीं, फिर तुम, और फनी बात यह है कि जब तुम्हारी फ्लाइट लैंड हुई हमको लगा अब आने वाला है, 4:30 बज गए थे शायद, तब वो भी बाहर निकल गए। इसमें पता फनी क्या है कि बच्चों को दो डर है ना, छिपकली का डर या पापा का डर, वही तो अलग अलग लेवल पे बच्चों का चल रहा होता है यार, इतने सारे डरों के साथ डील कर रहे होते हैं बच्चे। आज जो मैं एक्सरसाइज करने वाला हूँ बच्चों के साथ वो डर के ऊपर ही है। अच्छा। इतना फनी है आज हम इसी की बात कर रहे हैं। आज वर्कशॉप का कौन सा डे है, फोर्थ फिफ्थ? आज नहीं, हाँ फोर्थ डे, फोर्थ डे आज ही डर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। आज क्या, आज ही डर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। हाँ डर इंट्रोड्यूस हो जाता है, शुरुआत में हम लोग अपने बारे में बात कर रहे होते हैं ना, सेल्फ के बारे में, तो अपनी अलग अलग एस्पेक्ट्स, तो उसमें डर की जब हम बात कर रहे हैं, अच्छा हो सकता है कोई बच्चा भी देख रहा हो उसको समझ में आ जाएगा। हाँ तो एनीवे उसकी बात नहीं करते, लेकिन जो डर की बात है ना, इसका टॉपिक डर रही इस हफ्ते का, हाँ तो अभी मैं वही सोच रहा था कि एक तो छिपकली का डर बच्चे के दिमाग यार, में मुझे ना डर, पापा का डर, जैसे कल मैं झाड़ू लेके उसके पीछे घूम रही थी, मुझे डर से ज्यादा पता है क्या है, मुझे अजीब होता है उसको देख के कि ये क्या है क्रिएचर, समझ रहा है? अरे तो वो घिन जो है वो डर से कनेक्टेड होता है ना, घिन जो आती है वो बैड मेमोरीज के डर से कनेक्टेड होता है, पूछे गया तो बैड मेमोरी होगी। ओंकार वाला इंसिडेंट याद है, अभी भी मेरे बॉडी से ना वो शिवर चले जाता है, उसने ऐसा किया, और अभी भी अगर मेरे को छिपकली नहीं भी है और बोलो भी ना, मेरे अंदर से एक शिवर जाता है। हाँ वो वही है, वो डरी है। अच्छा मेरा भी तो काफी, वो एक कॉकरोच की बात ला रहा था मैं मेरे अंदर जो कॉकरोच का है वो भी तो यही है, वो डर डरी है एक तरह
मतलब गेन आती है एकदम डिस्गस्ट हो जाता है, बट मेमोरी ट्रिगर होती है ना एक गंदी मेमोरी, उफ वो बड़ा अजीब है। और उस दिन अच्छा है कि तुमको एक डर है एक मुझे, तो हम लोग दोनों पार्टी बन के अपने अपने डर की वो कर सकते हैं कि तुम, मैं तुम्हें कॉकरोच से बचा लूंगी, तुम मुझे वो लिजर्ड से बचा लेना। बाय टाटा टाटा।